हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो कल पहला वीडियो था उसमें हमने जो है आप लोग को साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाया था, और साधारण ब्याज में हमने दो सवाल लगवाया था। टाइप वन चल रहा है, आज उसी टाइप का दूसरा पार्ट मतलब दो सवाल हमने और लिया है। पहले टाइप का दो सवाल और लिया है, इसको बताने के बाद फिर हम टाइप टू पे आएंगे। तो देखिएगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप वन में कल हमने दो सवाल लगवाया था, आज जो हमें लगवाना है उसी टाइप वन का दो सवाल हमने और लिया है। क्या है हमारा सवाल? एक राशि 4 साल में 6.25% प्रतिवर्ष की दर से 3,200 का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि बताइए। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि 4 साल में, तो समय आपका कितना है? समय आपका हो गया 4 साल। ये आपका हो गया रेट मतलब दर। दर हमारा कितना दिया हुआ है? आर हमारा दिया हुआ है ये 6.625%। और ये जो मिल रहा है ये हमारा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। ये SI दिया हुआ है। और सवाल में कह रहा था कि 3200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। पूछ क्या रहा है? वह राशि बताइए, मतलब आपका मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन क्या होगा, मतलब P क्या होगा, यही निकालना है। तो आइए सबसे पहले फार्मूले से देखते हैं और फिर बिना फार्मूले के, कल मैंने बताया था, तो फार्मूले से अगर हम निकालते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग SI बराबर P R T/100, यही होगा। SI दिया हुआ, देखिए कितना दिया हुआ है, 3200। पी पूछ रहा है, रेट दिया है 6.25 और समय दिया हमारा 4 साल, और बटा कितना कर देंगे 100। यहां 3200 ऐसे रहेगा, पी आपका ऐसे रहेगा, 6.25 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो वैल्यू होगी 6 × 24, 25 × 100, मतलब 25 आएगा, और बटा कितना हो गया 100। देख रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 × 100, तो 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ 3 गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी का जो मान होगा, पी की जो वैल्यू होगी, वो 4 से गुणा करने के बाद 0 0 4 × 8 4 3 12 12,800, यही आपका क्या निकला? प्रिंसिपल, यही आपका मूलधन निकला, यही पूछ रहा था। ये तो था बाई फार्मूला, किससे हम लोगों ने सॉल्व किया, बाई फार्मूला। आइए हम लोग इसको बिना फार्मूले के करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हमने आप लोग को बताया था कि यहाँ सबसे पहले पी लिखते हैं प्रिंसिपल, उसके बाद आपका आर परसेंट, फिर आपका टाइम, जो SI होता है वो क्या होता है, RT%। देखिए इसी से अभी बिना फार्मूले से लगा रहे हैं RT%। पी की वैल्यू नहीं दिया है, पूछ रहा है रेट कितना दिया हुआ है, 6.25%, यही दिया है, परसेंट में लिखेंगे। टाइम कितना है आपका, 4 साल। देखिए समय कितना दिया है, 4 साल दिया है, ये 4 रख दीजिए। अगर हम SI पूछें, दोनों का जब गुणा करेंगे इन दोनों का, तो मिलेगा कितना, 25 मिलेगा परसेंट, क्योंकि यहाँ परसेंट लगा हुआ है। और फिर हम आपसे कहें, जो ये परसेंट है 25%, 25% का जो भिन्न रूप होता है वो क्या होता है, वो आपका होगा 1/4। कैसे देखें, अगर हम 25% का भिन्न रूप पूछते हैं, यहाँ देखिएगा कि 25% दिया है, इसका मतलब 25/100 लिख सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा, मतलब 1/4 हुआ, 1/4। मैंने कहा कि ये जो नीचे वैल्यू होता है, हर डिनोमिनेटर, ये आपका होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे जो हमारा होगा वो कितना होगा, 4। समझिएगा, ये हुआ मूलधन, ये हमारा क्या है, ब्याज है, एक ब्याज है। 4 यूनिट मूलधन को दिखा रहा है, 1 यूनिट ब्याज को दिखा रहा है, और ब्याज दिया हुआ है पहले से कितना, 3200। कहने का मतलब 1 यूनिट ब्याज है, यही 1 यूनिट जो है किसके बराबर है, 3200 के। मूलधन पूछ रहा है, और मूलधन हमारा 4 यूनिट है, हम पूछे 4 यूनिट का क्या होगा, तो 3 2 2 × 4 कर देंगे, तो देखिए 0 0 4 × 8 4 3 12, ये आपका क्या मिल गया, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने दो तरीका बताया, एक आपका बताया बाई फार्मूला, ये विदाउट फार्मूला, ये बिना फार्मूले के है, और ये क्या है, ये आपका फार्मूले के है।
एक चीज और समझिएगा, अगर यही मिश्र धन पूछता, ये वन है तो हमें मालूम है अमाउंट, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं, अमाउंट है ये हमारा होता क्या है पी प्लस एस आई। अगर अमाउंट की यूनिट पूछते तो पी हमारा 4 यूनिट, एस आई हमारा 1 यूनिट, दोनों जोड़ देते तो 5 यूनिट आ जाता। मतलब 5 से अगर आप इसमें गुणा कर देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा। फिलहाल इस सवाल में अमाउंट नहीं पूछा है, आइए आगे देखते हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए सबसे पहले इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोग को दूसरा बताते हैं। सेम इसी तरीके का सवाल है, अभी टाइप 1 चल रहा है, इसके बाद टाइप 2 पे आएंगे, धीरे धीरे टाइप को बढ़ाएंगे। अभी सब इजी सवाल है, अभी सब साधारण सवाल कर रहे हैं, साधारण ब्याज का साधारण सवाल है, साधारण प्रश्न है। धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए आगे क्या है, सेकेंड सवाल देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला सवाल है उसको देखिएगा, वो क्या है, सेकंड सवाल कह रहा है किस राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3.1/3% की सामान्य ब्याज या साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। तो ये जो 7,000 है ना, ये आपका है अमाउंट, और यहाँ समय पता है, समय यहाँ दिया है, रेट ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कौन सी वह राशि है, मतलब जानते हैं पी पूछ रहा है, पी का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो आप लोग को एक फार्मूला हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, अगर आप पढ़े देखे होंगे, वहाँ हमने बताया था कि जो ए होता है, अमाउंट होता है, वो पी प्लस एस आई होता है। मतलब अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, वही तो हमारा अमाउंट होता है। तो आप हमको बताइए अमाउंट कितना दिया है, 7,000 यहाँ लिख देते हैं। पहले हम फार्मूले से बता रहे हैं, फिर बिना फार्मूले से बताएंगे, देखिएगा दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए। तो पी कितना हमारा है पता नहीं है, वही पूछ रहा है, ये आपका पी रहा, और एस आई की जगह पे पी आर टी अपान क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं हम लोग, भाई एस आई का ये फार्मूला ही होता है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, पी ऐसे रहने दीजिए, पी की वैल्यू पूछ रहा है, आर हमारा कितना है 3.1/3%, तो 3.1/3, 3 × 9 = 10, मतलब 10/3% यही ना होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रख दें, आर के जगह पर 10/3, और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, देखिए 5 साल दिया हुआ है, ये हमारा 5 हो गया, और पूरे का बटा कितना हो गया 100 हुआ। अब आप देखिएगा आगे, ये हुआ हमारा कितना 7,000 बराबर लगा दिया, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ P प्लस ये देख रहे हैं कितना होगा, P इंटू 10 × 5/3 नीचे चला गया, 100 आपका ऐसे है, तो 10 का 5 में 10 बचे 50, 50 दूना 100, मतलब 2 बार में ये कैंसिल हो गया पूरा। पहले देखिए 10 में 5 का मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, 50 से 100 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जो हमको मिला, मैं यहाँ भी लिखता हूँ, क्या मिला 7,000 बराबर। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या बचा, पी बचा और प्लस, ऊपर वाला सवाल रख कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ये समझिएगा, तो ये 7,000 यहाँ लिखा, पी यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ खाली पी बच रहा है, और नीचे देख रहे हैं 3 × 2 = 3, 2 × 6 बच रहा है, तो बराबर आप आगे इम्प्लाइज दैट 7,000 बराबर। जब यहाँ एलसीएम लेंगे, देखिए 6 एलसीएम हो गया, तो ये 6p और प्लस पी, तो मिला के 7p, तो 7p बराबर आपका ये 6 हो गया। तो देख रहे हैं ये 7 क्या करेगा, इसको 1,000 बार में कैंसिल कर देगा, क्योंकि 7 = 7, तो पी की वैल्यू पूछेंगे जब 3 गुणा करेंगे तो 1,000 में 6 का गुणा हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 6,000, मतलब हमारा वैल्यू कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना था 6,000। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवाल को करने के लिए पहले आप यहाँ पे सॉल्व किए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये सवाल हमारा कितना लंबा हो गया। लेकिन अगर इसको हम बिना फार्मूले से करते हैं, देखिए कितनी जल्दी होगा ये, इस चीज को आप समझिए, अगर हम बिना फार्मूले से करते हैं, देखिए क्या हुआ आपका पी आर परसेंट, दिस इज अ टाइम कितना समय है, एस आई
को हम लोग लिख सकते हैं जो साधारण ब्याज है बराबर हमने कहा आर टी परसेंट, ये लगा दीजिए। पी पूछ रहा है, पी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आर दिया हुआ कितना, तीन सही एक बटा तीन परसेंट का मतलब अभी हमने बदला था इसको दस बटा तीन परसेंट। समय कितना है, समय हमारा दिया हुआ है पाँच साल, पाँच कर दीजिए। तो अगर एसआई पूछें तो इन दोनों का गुणा जब करेंगे तो दस का पाँच में गुणा होगा पचास बटा तीन परसेंट, यहाँ परसेंट लगा हुआ है। अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो पचास बटा तीन और गुणे सौ हो जाएगा, तो पचास दूना सौ तो कितना आ गया एक बटा छः। अगर हम पचास बटा तीन को देखिएगा, अगर पचास बटा तीन परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो पचास बटा तीन जहाँ परसेंट है वहाँ एक बटा सौ लिख सकते हैं कि नहीं, पचास दूना सौ देखिए एक बटा छः ही तो मिलेगा, ऊपर ही बचा तीन दूना छः वही मिल गया। फिर हमने कहा जब इसका भिन्न रूप मिल गया तो तीन ही चीज़ की बात होती है एक बटा छः। जो नीचे रहता है ये आपका हुआ मूलधन और एक जो हुआ ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब आइए देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले दिया क्या है आप बताइए, दिया है हमारा ये मिश्र धन अमाउंट दिया। हमने कहा भैया इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो यही अमाउंट होता है, तो छः में एक जोड़ेंगे भाई अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है पी प्लस एस आई। पी का मतलब छः यूनिट, एस आई ब्याज का मतलब एक यूनिट, दोनों जोड़ देंगे तो सात यूनिट, मतलब सात यूनिट जो है वो कितना है सात हजार है, यही तो दिया हुआ है। तो एक यूनिट बराबर सात हजार को सात से भाग कर दीजिए तो बराबर एक हजार आ गया। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि किस राशि पर, मतलब पी पूछ रहा है हमको पी निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, और प्रिंसिपल है कितना छह यूनिट, तो छह यूनिट के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हजार में छह से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा छह हजार। ये तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए 6000 आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है, ये कितने जल्दी साल हो गया। ये दोनों मेथड में जो भी ये आपका बाई फार्मूला था, ये शॉर्ट ट्रिक था, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स था, इतना तो फिलहाल करना ही पड़ेगा इसमें निकालने के लिए, इससे कम आप छोटा और नहीं कर सकते। तो ये पहले टाइप के सवाल थे, अब हम क्या करते हैं कि दूसरा टाइप बताते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप सवाल देखते हैं, ये मैं करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए देखिए दूसरा टाइप जो सवाल है हमारा वो क्या है, सवाल आपके टाइप टू पे हम आते हैं और देखते हैं, मैं सवाल के माध्यम से बताता हूँ। एक सवाल है टाइप टू, पहले आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि टाइप टू साधारण ब्याज में टाइप टू सवाल चलेगा। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कोई राशि 20 वर्षों में, सवाल के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहा कि कोई राशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तीन गुना हो जाता है, तीन गुना हो जाता है, वह राशि क्या है, वह राशि बताइए। आइए देखते हैं इसमें, या पहले सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं, ब्याज की दर बताइए, बाद में दूसरा टाइप कर देंगे, ब्याज की दर बताइए, क्योंकि ऊपर पूछ भी रहा कि कोई राशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तीन गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितना होगा, यही सवाल में पूछ रहा है। आइए देखते हैं दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कह रहा कोई राशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तीन गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, इसके बारे में देखिएगा। एक बार बताइए कोई राशि की बात, अगर हम मान ले रहे हैं कि राशि हमारा क्या है, पी क्या है, यक्ष है, ये हमने मान लिया, तो 20 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है तीन गुना, स्वयं का तीन गुना, इसका मतलब जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है तीन यक्ष हो जा रहा है 20 वर्षों में। और समय कितना दिया है, समय हमारा टाइम जो दिया है टी को कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है किस दर से होगा,
तो एक बात बताइए, अभी हमने आप लोग को मैं पहले दिन पहले फार्मूला बताया था कि जो हमारा एसआई होता है ये होता क्या है, ये ए में से पी घटाते हैं वही तो एसआई होता है। जैसे अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी प्लस एसआई, मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस क्या साधारण ब्याज। तो अगर हम यहाँ से पूछे भैया साधारण ब्याज क्या होगा, इसको इधर लाके घटा देंगे यही मिलेगा। तो आइए इसी पहले यहाँ से हम लोग एस आई निकाल लेते हैं। एस आई बराबर हो गया ए माइनस पी, ए कितना है हमारा 3x और ये क्या है x बराबर 2x। फार्मूला क्या है बताइए, एस आई बराबर हमें मालूम है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये हुआ। एस आई है कितना हमारा 2x, देखिएगा 2x बराबर पी कितना हम माने हैं x माने हैं, आर पूछ रहा है टाइम 20 साल दे दिया है और ये हो गया 100। देखिए x x क्या हो गया कैंसिल हो गया, 20 पंचे कितना हुआ 100, 5 बार में ये कैंसिल हो गया, मतलब r बटा 5। अगर त्रिक गुणा करेंगे देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो r बराबर मिल गया कितना परसेंट है 10%। ये तो रहा इसका कि आप फार्मूले से कैसे करेंगे या जो इसका मेथड है सॉल्व करने का यही है, लेकिन हमें इतना करना नहीं है, हमें सीधे एक फार्मूला ड्राइव किया कि दर बराबर रेट बराबर, यही दर पूछ रहा है, मतलब रेट बराबर कितना होता है n माइनस 1 इंटू 100 बटा टाइम, टाइम ये टी क्या है समय है, डायरेक्ट इसी फार्मूले में आप रखिए दर निकल जाएगा। तो देखिए दर बराबर मतलब आर बराबर है कि यन क्या है कितना टाइम्स हो रहा है, जैसे 3 गुना कह रहा है तो ये आपका यन हो गया, तो यन के प्लेस पे 3 रख दीजिए माइनस 1 कर दीजिए 100, तो ऐसे रहेगा कितने साल में 20 साल में, टाइम कितना दिया 20 साल दिया है, यहाँ 20 रख दीजिए तो देख रहे हैं 2 × 100/20, तो 20 × 5 = 100, तो 5 × 10 आर कितना परसेंट आया 10% आया, यही तो होगा मेरे भैया, ये समझ रहे हैं 100/20, ये इसको घटा दिया, याद रखिएगा ये यन है, यन का मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, 100 ऑलरेडी लगा रहेगा, ये टाइम है कितने समय के बाद हो रहा है। तो ये देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले से हो गया सिर्फ इतना छोटा, और अगर आप ऐसे करते हैं तो देख रहे हैं आप इस तरीके से करेंगे। तो जो भी अगर आपको समझ में आए, ये फिर मैंने कहा कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपका क्या है शॉर्ट ट्रिक है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। आइए दूसरा सवाल लिखते हैं, थोड़ा डेटा को बदलते हैं इसी में टाइप टू में ही, देखिएगा टाइप टू में जो दूसरा हमारा सवाल है वो क्या है, इसी में मैं सिर्फ सवाल सेम रहेगा, लैंग्वेज वही है, डेटा बदल दे रहे हैं बस। देखिएगा कह रहा कि कोई राशि साधारण ब्याज, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे टाइम लगा दे रहे हैं, कितना टाइम लगा देते हैं 3 वर्ष, और यहाँ लगा देते हैं कितना गुना हो जाता है, ये आपका मान लीजिए 7/6 गुना हो जाता स्वयं का। देखिए सब कुछ वही है, बस सिर्फ मैंने डेटा को क्या कर दिया बदल दिया आपका। अब सवाल देखिए सेम सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक ही टाइप का भी हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम मैं 2 सवाल आपको बताऊं। कह रहा कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए किस दर पे रहा होगा। तो सीधी सी बात है, फिर वही बात आती है यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कोई राशि, राशि नहीं मालूम है, पी मान लीजिए एक्स प्रिंसिपल एक्स है, ये हमने मान लिया, मैथ में सम्मान के किया जाता है, माना वह संख्या एक्स है, पी को भी मान लिया एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे जो अमाउंट है ना वो इस राशि का इतना गुना हो जाता है, अगर हम कहें एक राशि एक्स है इसका 4 गुना मतलब 4 से गुणा, इसका 5 गुना मतलब 5 से गुणा, इसका 6 गुना मतलब 6 से गुणा, इसका 1/2 गुना मतलब 1/2, 3/2 गुना 3/2, ऐसे बात समझिएगा, मतलब गुणा करना। तो अगर हम आपसे कहें स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, तो 7/6 x यही ना हुआ। अभी बताया कि जो एसआई होता है वो क्या होता है ए माइनस पी, ए हमारा है कितना 7/6 x, इसमें से x घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे यहाँ पे देखिए एलसीएम 6 लेंगे तो 7x और माइनस 6x बराबर 1/6 ax, ये मिला, ये हमारा हुआ एसआई।
अब आइए हम लोग सीधे फार्मूले पे आते हैं। SI बराबर होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बटा सौ। बाबू हमको बताओ SI कितना दिया है यहाँ पे, एक्स बटा छ, एक बटा छ एक्स या एक्स बटा छ, बात एक ही है। इसको माना है एक्स, एक बात बताइए यहाँ पे आर कितना है पता करना भाई, टाइम कितना है तीन साल बटा सौ। एक्स एक्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। एक चीज और समझिएगा, त्रिक गुणा जब करेंगे सौ का यहाँ पे एक बच रहा है तो ये तो सौ हो जाएगा, और जब छह का तीन में गुणा करेंगे तो छह त्रिके अठारह, और कितना जाएगा यही होगा मेरे भाई, कितना होगा अठारह आर होगा। तो अगर आर पूछते हैं तो क्या होगा, तो कहोगे सौ बटा अठारह, तो पचास बटा कितना नौ, दो से कैंसिल कर दिया, दो से कैंसिल हो रहा था, देखिए पचास बटा नौ। तो जब इसको आप सही भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कितनी बार ये डिवाइड होगा आप देखते हैं यहाँ पे, छत्रिक अट्ठारह ये हुआ तो ये आपका हो जाएगा पंचम पैंतालीस, पचास से देखिएगा पचास नौ पचे पैंतालीस पाँच आया, मतलब हमारा आंसर हो गया पाँच सही, पाँच बटा नौ यही हमारा आंसर हुआ। इतना क्या परसेंट, कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लीजिए। पी एक बार देखते हैं, पी बराबर एक्स दिया हुआ था, सात बटा छः गुना हो जाता है, निकालना था सात बटा छः, एक्स में से एक्स को घटा दिया तो एक बटा छः मिल गया, तो एक बटा छः यहाँ रख दिया। पी एक्स है, आर पूछ रहा है, समय कितना दिया है हमारा तीन वर्ष दिया है, ये सौ हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पे जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, त्रिक गुणा करेंगे तो तीन का इसमें छः त्रिक अट्ठारह हो गया, ये सौ, तो सौ बटा अठारह हो गया, तो पचास बटा नौ पाँच सही, पाँच बटा नौ ये हमारा दर, मतलब इस दर से है। तो ये देख रहे हैं ये हमारा बाई फार्मूला और लॉन्ग मेथड था। आइए हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, अभी हमने बताया कि दर बराबर है, दर आर बराबर मतलब रेट बराबर एन माइनस वन इंटू कितना सौ बटा क्या समय मतलब टी, यही तो होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पे आर निकालना हमको, कितना गुना हो जाता है सात बटा छः, यही एन है सात बटा छः, एक कर दीजिए गुणे सौ, टाइम कितना दिया बाबू यहाँ पे तीन साल, तीन साल में तो आर बराबर यहाँ देख रहे हैं, जब ये घटाएंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो सात माइनस छः बटा छः ये माइनस है, और यहाँ लगा दीजिए सौ और पूरे का बटा तीन, तो आर बराबर जब घटाएंगे तो एक बटा छः गुणे सौ और पूरे का बटा तीन, तो तीन यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ गया सौ बटा अट्ठारह या पचास बटा कितना नौ, जब दो से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये पाँच से ही, पाँच बटा नौ परसेंट। तो आप देख रहे हैं इससे ये आया और इससे ये आया। तो मैंने आज दो टाइप का सवाल आपको बताया, पहले टाइप वाले में दो बचा था वो बताया, और आज एक टाइप का और बताया जो दूसरा टाइप है, अगला टाइप हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। एक एक टाइप को आप समझते हुए चलें और ध्यान देते हुए चलें, पढ़िए समझिए, जहां ना आए वहां पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और टाइप वाइज मैंने जैसा कहा कि मैं टाइप वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आई एम सॉरी, टाइप वाइज मैं आपको बताऊंगा, कोई चीज छूटने वाली नहीं है, वन बाय वन करके चलेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। अच्छा हाँ, आज हमने जब शुरुआत किया तो मैंने शायरी या कोई गाने से नहीं किया था, ये सब बीच बीच में होता रहेगा क्योंकि कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हम हैं नहीं। हाँ ये है कि जो है बीच बीच में आप लोग का इंटरटेनमेंट करते रहेंगे और कम मूड बन जाए उसी समय हो जाएगा, लेकिन आपका मेन जो ध्यान है, आपका जो मेन फोकस है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, गाना आना तो होता रहेगा बीच में, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, वो सब चलता रहेगा। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका शेयर करना सब्सक्राइब करना यही हमको क्या देता है, थोड़ी सी उम्मीद देता है, साहस देता है, हम उसी हिसाब से मेहनत करते हैं आपके लिए। अब आपसे बस यही हमारी आशा है, यही आपसे उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।